वेलकम बैक टू माय चैनल आशाज किचन। तो लीजिए फ्रेंड्स, आ गई एक नई रेसिपी जो बच्चों की मनपसंद रेसिपी है ये, और बनाना एकदम आसान है। अगर आप बच्चों को बना के खिलाओगे बच्चे बड़े खुश होके खाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये कच्चे आलू लिए हैं। ये देखिए आलू मैंने धो के किस लिए हैं, पहले छीले फिर धुले फिर मैंने कद्दूकस से मोटे वाले छेद से मैंने कस लिया इनको। तो अब इनको हम दो तीन पानी में धो दिए हैं, तो इसको अब हम निचोड़ लेते हैं। इस तरह से अच्छे से निचोड़ लेंगे, पानी ना रहना चाहिए बिल्कुल। इस तरह से इसमें रखते जाएंगे, ये देखिए। और ये बड़े वाले कद्दूकस की छेद से, जो कद्दूकस का बड़ा वाला छेद होता है ना, उसी से मैंने कसा है। तो आप जब भी कसें तो उसी से कसें, बड़े वाले छेद से, तो लच्छे अच्छे निकलते हैं। ये देखिए इस तरह से हम सारे लच्छे निकाल लेते हैं निचोड़ के। तो ये देखिए मैंने निचोड़ के निकाल लिया है, और अब इसमें हम अब कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे। इसमें ये कॉर्न स्टार्च डाल देंगे और इसको बढ़िया से मिक्स कर देंगे। इसमें हल्का सा नमक डाल देंगे इतना बस, और इसमें हमें कुछ नहीं डालना है। और इनको बढ़िया से मिक्स कर देंगे इस तरह से। अगर हमें कॉर्न स्टार्च कम लगा तो मैं और इसमें मिक्स कर दूंगी। तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी चम्मच से मिक्स कर रहे हैं, लेकिन इसे हाथों से मिक्स करेंगे ताकि ये जो आलू है आलू का पानी रिलीज हो, तो ये हल्का सा गीला हो जाएगा। तो अब मैं इनको हाथों से मिक्स करूँगी इस तरह से। तो फ्रेंड्स इसमें अभी पानी हम बिल्कुल नहीं डालेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो एक आध चम्मच पानी डाल लेंगे इसमें। तो देखिए मैंने मिक्स कर लिया है, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से मसल मसल के और मिक्स कर देंगे। तो जितना पानी का, मतलब आलू का पानी है, वो थोड़ा सा रिलीज हो जाएगा तो तभी हम पानी डालेंगे। ऐसे हम पानी नहीं डालेंगे, वरना ये गीला हो गया तो किसी काम का नहीं रहेगा। तो अब भी इस तरह से, और अब हमें ये ड्राई लग रहा है तो हम इसमें, ये देखिए ये कटोरी में कॉर्नफ्लोर था तो इसी से हम एक आध चम्मच पानी डाल के इसको पहले मिक्स करेंगे। पानी बहुत थोड़ा थोड़ा डालें, जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी वैसे पानी डालें, वरना ये बेकार हो जाएगा अगर ज़्यादा पानी पड़ गया। तो देखिए इस तरह से, तो इसमें थोड़ा सा पानी मैं और डालूंगी, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो इसमें टोटल मैं बताऊं तो जो चम्मच जिससे हम लोग खाना वाना खाते हैं ना, उस चम्मच से एक चम्मच पानी मैंने डाला है। तो देखिए हो गया। तो अब इसके हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसको एक बार और हम इस तरह से कर लेंगे। तो देखिए पानी डाल दिया है तो ये गीला गीला हो गया है। आपको अगर ज़्यादा दिक्कत हो बनाने में तो आप इसमें कॉर्न स्टार्च और डाल सकते हैं। तो मुझे लग रहा मुझे भी डालना पड़ेगा क्योंकि इसमें नमक मिला हुआ था, तो मैं एक चम्मच इसमें कॉर्न स्टार्च और डालूंगी और फिर से मिक्स कर देंगे इसको। तो ये कॉर्न स्टार्च होता है ना, तो ये बैठता है, जैसे हम किसी चीज़ में डाल देते हैं तो ये देखिए बैठ जाता है इस तरह से। तो इसको इस तरह मसेड़ के, मतलब अलग अलग कर लें, ये देखिए बंद जाता है, ये देखिए है ना। तो अब इसका हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठाएंगे इस तरह से, इतना इतना, और इस तरह से करते हुए इस तरह से, मतलब एक इसका एक, जैसे हम लोग बड़े बनाते हैं ना इस तरह से इसका शेप देंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा सा गहराई में इस तरह से करेंगे इस तरह से। और इधर हमारा तेल गरम हो रहा है, तो तेल को गरम हो गया हमारा, और ये अब हम इसमें डालेंगे। तो अब हम इसको इसमें डालेंगे, तो तेल हमारा अच्छा गरम हो गया है तो ये इसमें डाल देंगे। तो हम इसमें ज़्यादा ज़्यादा नहीं डालेंगे, वरना ये चिपक जाएंगे एक दूसरे से। तो एक सिक जाने देते हैं हल्का सा, इसके बाद हम दूसरा डालेंगे इस तरह से बना बना के, एक मतलब एक टिक्की का शेप देना है, जिस तरह हम आलू की टिक्की वगैरह बनाते हैं इस तरह से। तो हम अभी दो ही डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, बाकी की बाद में डालेंगे।
तो देखिए इसको हम थोड़ा सा इस तरह से चला देते हैं, और ये देखिए सट गए हैं, दूसरे में चिपक गए हैं, तो इनको हम अलग कर देंगे, थोड़ा सा सिक जाने देते हैं, या ऐसे ही अलग हो जाएगी। ये देखिए अलग हो गए, तो इनको बढ़िया सा कलर आ जाने तक सेक लेते हैं। तो ये देखिए सिक गई हमारी टिक्की मैंने अच्छे से, और ये कॉर्नफ्लोर है ना, तो ये बहुत ज्यादा एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं होता है, ये हल्के सफेदी लिए रहता है, तो इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, और अभी हम गैस को स्लो कर देंगे, बंद नहीं करेंगे। इधर हमने ये थोड़ा सा मैदा लिया है, इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसको हम एक बढ़िया घोल बना के तैयार करेंगे। तो इसका हम गाढ़ा घोल बनाएंगे पानी डालते हुए थोड़ा थोड़ा, ताकि लम्स ना पड़े। तो ये देखिए मैंने बढ़िया सा घोल बना के तैयार कर लिया है, और अब एक टिक्की लेते हैं ये, और इसमें डिप करेंगे, और कॉर्नफ्लोर ऊपर से इस तरह से लपेट देंगे। तो इसको हमें पहले से अच्छे से पका लेना है टिक्की को। तो ये देखिए हो गया, और अब इधर मैंने ये सिवाई लिया है, तो ये यही सिवाई है जो बर्मिसली मंगाते हैं ना हम लोग, वही हैं, इसको डालेंगे इसमें, और अब इसे बढ़िया से इसमें लपेट देंगे इस तरह से, और तेल हमारा जो है ना गरम हो ही रहा है, तो इसको बढ़िया से लपेट के इस तरह से कर देंगे, और चारों तरफ लपेट देंगे। ये लपट गई, और अब इसको हम थोड़ा सा हाथों से इस तरह से कर देंगे, ताकि ये जितना एक्स्ट्रा सिमई है ना ये तेल में झरे नहीं इस तरह से। ये देखिए हो गया, और अब इसको हम फिर से तेल में डाल देंगे इस तरह से। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हमारी सिवई है ना, ये देखिए बहुत जल्दी लाल हो गई हैं, और गैस हमारी स्लो है, ये देखिए। तो मैं एक एक डालूंगी इसको, और जो मैदा की मैंने कोटिंग की थी ना वो भी ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हल्की पतली सी कोटिंग थी। तो ये हमारा सिक गया है, इसको निकाल लेंगे, कितना बढ़िया कलर आया है इसमें। इसी तरह से हम दूसरा भी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मैंने दोनों बड़े तल के निकाल लिए हैं, बड़े कहें टिक्की कहें कुछ भी कहें, और इनको लगाएंगे प्लेट में, और इसमें डालेंगे सॉस, ये टमाटो सॉस है, क्योंकि इसके साथ ये बहुत अच्छी लगती है। और अब हम इसमें थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, इस तरह से, और थोड़ा सा सॉस इसके ऊपर जाएगा। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और ये हमारी नई रेसिपी बनके तैयार हो गई है, खासकर बच्चों की मनपसंद, ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी, और ये टमाटो केचप के साथ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप हरी धनिया की चटनी के साथ खा सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स अब बनाइए और बच्चों को खिलाइए, बच्चों को बहुत पसंद आएगा और बहुत खुश हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी ये नई रेसिपी, नाम आप दीजिएगा, क्या नाम इसका रखें, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना, एंड बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।